बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और डॉक्टर फजल साहब, मेरा नाम नैयर महमूद राजा है। मेरा पूछना यह है कि किसी मुस्लिम का गैर मुस्लिम के साथ शादी करना और गैर मुस्लिम के फंक्शन शादी ब्याह के अटेंड करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? अच्छा, गैर मुस्लिम से मुराद कौन, ईसाई, यहूदी या दूसरे? अहले किताब जी, अहले किताब। जी बहुत शुक्रिया सवाल करने का, जैसे इसकी तफसील। जी माशाल्लाह नैयर राजा साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आप हमारे जो है खानकाह में मुस्तकिल जो है वो तशरीफ लाते हैं और ये कस्बे फैज़ करते हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बाकी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि मुसलमान का गैर मुस्लिम से शादी करना, और गैर मुस्लिम से मुराद आप फरमा रहे अहल किताब यानी ईसाई और यहूदी। तो लिहाजा ईसाई और यहूदी अगर औरत है तो मुसलमान मर्द जो है ईसाई यहूदी औरत से शादी कर सकता है, लेकिन अगर जो है वो ईसाई यहूदी मर्द है, मुसलमान औरत ईसाई यहूदी मर्द से शादी नहीं कर सकती, लिहाजा उस मर्द को जो मुसलमान होना पड़ेगा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाना होगा, तो फिर ये मुसलमान औरत उस जो है उससे शादी कर सकती है। लेकिन मुसलमान मर्द जो है ईसाई या यहूदी औरत से जो है यानी अहले किताब हो, उसके अलावा नहीं, हिंदू, सिख और मजूसी, किराड, इनसे नहीं कर सकता वो जब तक मुसलमान ना हो, क्योंकि मुशरिका से शादी की इजाज़त नहीं है, लेकिन अहले किताब के साथ जो है वो इजाज़त है। बाकी उसके अंदर हुदूद और पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि जो अहले किताब हो वो असली अहले किताब होने चाहिए, मजहबी अहले किताब होने चाहिए, नाम के अहले किताब ना हो। क्यों, आजकल आमतौर पर नाम के अहले किताब हैं और कहते हैं हम क्रिश्चन हैं, उनको क्रिश्चियनिटी का पता ही कुछ नहीं, बल्कि वो कहते हैं वी डोंट बिलीव गॉड, हम तो खुदा पे कोई यकीन नहीं रखते, वी डोंट बिलीव रिलीजन, रिलीजन कोई नहीं मानते। तो कहा कि वो तो एथियस्ट होते हैं, एथियस्ट होते हैं, उनको मज़हब का पता ही नहीं। हाँ, वो अहले किताब जो मजहबी हैं, मज़हब को फॉलो करते हैं, जैसे आजकल सुनी दी है, जैसे कैथोलिक, कैथोलिक जो ईसाई हैं इनको मजहबी ईसाई समझा जाता है कि ये मज़हब को फॉलो करते हैं, भले वो जीसस को अल्लाह का बेटा मानते हैं, भले वो तस्लीस के अकीदे के कायल हैं, भले वो कफारे के अकीदे के कायल हैं, क्योंकि कुरान ने इन तमाम अकीदों के बावजूद भी उनके साथ निकाह की इजाज़त दी है। लिहाजा मजहबी अहले किताब के साथ बिल्कुल, वो यहूदी है, मजहबी अहले किताब है, उससे मुसलमान मर्द जो है बिल्कुल शादी कर सकता है। अब रहा उनके फंक्शनों में शिरकत, अगर किसी मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम के फंक्शन में जाने की जरूरत पेश आ गई, दोस्ती आ रही है, महल्लेदारी और पड़ोस है, बिल्कुल उनके फंक्शन में जा सकता है, उनको मुबारकबाद दे सकता है, उनके फंक्शन में शिरकत कर सकता है। बाकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें मेक श्योर करें कोई हराम चीज़ ना हो, अगर शराब चल रही है तो आप शराब ना पिए, आप मशरूब पी लें, आप सोडा पी लें, पेप्सी पी लें, शराब ना पिए। बाकी खाने पीने की चीज़ें मेक श्योर कर लें, हलाल जो चीज़ें हैं, तो लिहाजा गैर मुस्लिम की दावत में हलाल चीज़ें अगर प्रोवाइड हैं वो बिल्कुल आप खा सकते हैं, और उनकी जो है खुशी में जाके आप उनको मुबारकबाद दे सकते हैं, उसमें कोई मज़ाक नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।